नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और साइंस की इस क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं डिसीजेस एंड इट्स कॉजेस। हम सभी जानते हैं कि बाहर इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे आसपास हमेशा से थी, लेकिन बीमारियों की कुछ वजह होती है, कुछ सिम्टम्स होते हैं और भी बहुत कुछ अटैच्ड होता है। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आपने कुछ भी इनके बारे में पढ़ा है, कुछ ऐसा है जो आप दिलचस्पी रखते हैं जिसमें और आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। ये सेशन हम 9th क्लास के सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एनसीईआरटी ऑफिशियल। आप अपने सवाल हमें बहुत सारे जरियों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cieet.nic.in या फिर हमारे YouTube चैनल के लाइव चैट बॉक्स में भी लिखकर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे शेड्यूल के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी क्लास, कौन सा टॉपिक कब आने वाला है, तो उसके लिए आप CIET और स्वयं प्रभा की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे शेड्यूल, टाइम टेबल और हर तरह की डिटेल वहां पर मिल जाएगी। तो आपके सवालों पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले मिलते हैं हमारी मेहमान से। हमारे साथ है मिस प्रियंका वार्षणेय। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते तन्वी मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड टू। ओके, सो ये जो डिस्कशन है डिसीजेस एंड इट्स कॉजेस पर मैम अभी शुरू करते हैं। सिर्फ आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं हमारे व्यूअर्स को दे देती हूँ। मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर लेडी इरविन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो आइए शुरू करते हैं और मैम से पूछते हैं सबसे पहले कि why this particular title you have chosen, diseases and its causes, and आज इस सेशन में आप क्या क्या कवर करने वाली हैं और हमारे दर्शकों को क्या क्या पढ़ाने वाली हैं? Thank you, Tanvi ma'am. Thank you for this introduction. A very good afternoon, students. I'm sure you are healthy, fit and fine and doing well. So in this ground, I would like to start today's discussion. Tanvi ma'am, I would like to share with you, जैसे कि मैंने पिछली वाली क्लास में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की शुरुआत करी थी स्टूडेंट्स के साथ में, तो उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पोर्शन अभी है हेल्थ का जो मुझे कंप्लीट करना है इस सेशन में। एक क्विक रिव्यू के साथ हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में हम डिसीज के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके अलग अलग क्या कॉजेज होते हैं उनको समझेंगे। क्योंकि जब हम हेल्थ को समझने की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना पड़ता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज फ्री होना नहीं होता है। हेल्थ इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में समझने की कोशिश भी करी थी, और इस बार हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअली में डिसीज का क्या मतलब, ताकि हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाए पहले तो कि हेल्थ और डिसीज फ्री होने में क्या अंतर है, और दूसरा हम ये भी समझ पाए कि डिसीज क्या होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक अगर जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं या हेल्दी होने की बात करते हैं, उसके लिए आई थिंक मुझे लगता है ये काफी जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको लिया। अब मैम इफ यू अलाउ तो मैं धीरे धीरे बच्चों को बताने की कोशिश करूंगी कि आज इस डिस्कशन में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल मैम, थैंक्स। शैल वी बिगिन? या श्योर। सो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एक क्विक यहाँ पे पॉइंटर्स हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आज हम डिस्कशन में क्या करने वाले हैं। सो अवर मेजर फोकस ऑफ डिस्कशन टुडे विल बी, फर्स्ट वील वेरी क्विकली रिव्यू द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विच वी स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास, एंड आफ्टर दैट वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिजीज फ्री एंड अ हेल्दी पर्सन, एंड कमिंग फ्रॉम दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय डिसीज एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस, एंड आफ्टर दैट आई वुड आल्सो लाइक टू स्टार्ट, आई विल नॉट से दैट आई विल बी एबल टू फिनिश बिकॉज दैट विल बी टू मच, बट यस वी वुड आल्सो लाइक टू नो व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो लेट्स मूव अहेड। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैड पार्टिसिपेटेड इन माई प्रीवियस क्लास, आई रिक्वेस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू, यू गो बैक एंड सी द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ डिटेल्ड मैनर। बट वेरी क्विकली
we had tried to understand in the last class the concept of health, and we had taken the help of the definition given by World Health Organization, which says that actually the concept of health is much more than the physical aspect. It is made up of physical, mental and social well-being, and it is not actually just the absence of disease, it's much broader concept. So we had tried to understand that, and with this diagram I had tried to explain the various components of health and wellness, in which we had discussed it is made up of physical aspect, mental aspect, spiritual, emotional, social and environmental aspects. And in that continuation we had understood that how our physical environment affects our health, be it drought condition, flood, cyclone or earthquake, and how various other aspects affect us, like unhygienic, dirty surroundings, crowded surroundings, noise pollution, other things also affect our health and the sense of well-being. Our natural environment, in the last class we had talked, I remember Tanvi ma'am had asked a question also related to COVID pandemic and the precautions. So we had discussed this also, how the natural environment, biological environment affects our health, and how these issues related to the global warming, deforestations and other related things affect us. How the environmental hygiene is important, how the food deficiency and food hygiene is going to affect our health, and how water deficiency and water hygiene is playing a very crucial role in ensuring our health. And this is very important to know, what is the mechanism of garbage disposal in your surrounding? What is the sewage treatments in your surrounding? These were the things. Now, we could discuss in the last session till there. And here in this class, I will be starting with the new aspect of the health, which talks about not only our environment, not only our surroundings are playing the role. This is very, very important to understand. What is my income source? What is the source of income? Because if there is a huge income disparity, when we talk about nutrition, when we talk about other aspects, availability of food and nutrition, or maybe the treatment of diseases. So our finances, our income plays a lot of role, I would say, in that. So it is very important that people have, if we want that people have optimal nutrition, they really need to have affordable, accessible healthcare systems, and also a source of regular source of income as well. Because if we have a regular source of income, then we can ensure for ourselves as well as for our children the nutritional components of the food, the balanced diet that we say. And apart from that, we can ensure education for them, and we can also make them more aware about various aspects by enhancing their educational experiences. And of course, if a good healthcare system is there, if you fall ill because of any reason, maybe because of some infection or some non-infection disease or other things, then we will be in a position to treat it very quickly, and it will not become a long-term disease or uncomfort. So it's very important to have a regular source of income as well if we want to ensure the health. I'm not saying much finances, but yes, a minimum optimal requirement is there. Apart from that, I feel for all of us, and especially for students, this is very important to be good in our emotional aspect, to have a good emotional health. Because of any reason, if we are feeling very stressed, maybe anything, it may be exam anxiety, it may be performance anxiety, it may be, you know, your stress related to looking good, or maybe it is related to the environment, the surrounding, the other family and neighborhood things. If we are very stressed, or if there's a change of emotion, like very frequently, sometimes feeling very sad, sometimes I'm feeling very happy. We don't have stable emotions. Stable emotions means if we are not feeling at ease, comfortable, or we are feeling very stressed, then also this is going to affect our body, our overall health. Because the mental and the physical and the social aspects are organically interrelated. They are very much interrelated. So this is very important. And yes, this aspect which we usually forget when we are talking about health is that my mental well-being, the right to participate when I am speaking, be it family, be it among my friends, or be it in my classroom. If I am being given the opportunity to express myself, to speak my mind, then it helps me a lot to ensure my good mental well-being. Because then I feel that whatever I feel, my thoughts, I am able to express, I am able to communicate. This is also one of the needs for us as human beings. So when we are talking about the mental well-being, and of course, consequently, the social and physical well-being, then this is very important. The social equality and harmony is there for us. We are able to participate. We are able to raise our voice. The freedom is there.
So this is also very important. Now, after understanding, ma'am, this concept of health, I would like my learners to focus how the health and disease concepts are different. So now we have understood the concept of health, what is being healthy. Now let's come to the disease. When we talk about disease, then the simple meaning is that disease means disturbed ease. Ease means comfort, means well. So because of any reason, if I am not feeling comfortable, if my well-being is compromised, then it may be a disease. It's a sign. For example, if I have a headache, if I have cold and cough, I'm sneezing, or there is a pain in my stomach, or let's say some serious condition is there, because of that I am having backache or pain in different parts of my body. So it means, it says that I am not at ease, I'm not comfortable, I'm not able to focus what I'm doing, I'm not able to work productively and efficiently. So that may be the indication. I'm not saying that's a disease, because the causes of disease are various. I may simply have a headache because, you know, it was a very hectic day, I did not get the rest. So it may be simply that also. So every time if I'm headache, it's not, you know, I'm having some issue of brain or something like that, some serious issues there, it's not required. But yes, this is one of the indications. So if I'm not feeling comfortable, if I'm not feeling well, there's a disturbed ease, then it is the indication of disease. And that's where the origin of term disease comes. And yes, there are various causes of diseases. If we talk about, like you said, disturbance of ease. So this disturbance could be major, this disturbance could be minor, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are very correct in pointing out this thing. It may be minor, it may be major. Minor means some minor issues are there. For example, even if I'm having cold, it may be a minor cold also. And it may, I may recover from that in some 3, 4, 5 days. And it's not creating much disturbance in my day-to-day functioning. But if, say, I felt that it's a common cold, and, you know, somehow we are seeing these days that COVID is spreading and this infection is all around. So if I'm ignoring that and I'm just thinking it's a minor thing, and, you know, I'm ignoring the signs and symptoms, it may be a very serious issue also. So these days we say that we should not ignore it. And I'm really thankful that you raised this point, because this is helping me to talk to my learners that even if you are having simple cold or simple cough or, you know, headache, or maybe simple your stomach is not good, you're feeling loose motion, do not ignore it. These days, I am saying, these days, because in previous time, we could wait for 1 or 2 days or 3 days to see, you know, how it unfolds. But these days, we should not take any risk. We should not take any chance. The very first day, if you feel such symptoms of uncomfort, being it sneezing or coughing or cold or, you know, any kind of discomfort in your stomach or loose motion or something like that, you get yourself tested and start the treatment then and there. So this was something very important. And I'm really thankful, ma'am, that you raised this point. Now, students, after understanding the concept of disease, we need to understand that poor health जो हमारी है वो किसी भी specific disease के absence में भी हो सकती है, जैसे हमने पहले बात करी थी. तो जब हम health की बात about health, we are talking about if there is so this refers to individual infectious agent. मैं कहूँगी focus करने के लिए है. disease कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और इसको हम किस तरह से treat and prevent कर सकते हैं. तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्सनल प्रैक्टिकल कोपिंग स्किल्स, इनकम सोशल स्टेटस, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ में, अगर ये इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है. दूसरा, अगर इंपॉर्टेंट है तो हम उसको कैसे
हम किसी हमें हैप्पीनेस नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी. सो फॉर एन एफिशिएंट कंपनी, फॉर आई वुड से गुड थिंकिंग एबिलिटी होती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है. मैम यस सो द लिसनर्स जैसे मैम बता रही हैं ऑडिबल एंड विजिबल मैम कैन आई ऑडिबल एंड सो लाइक शी वाज सेइंग दैट हेल्थ एंड डिसीजेस दे आर इंटर रिलेटेड बट इनमें डिफरेंस भी है. तो अगर आप पूछना चाहें कि डिसीजेस कितने टाइप की होती हैं, ये मेरे दिमाग में एक सवाल है. Am I on? Yes, ma'am. You are audible, but your voice is a little breaking. Am I on? Not really, ma'am. Your voice is breaking. So I guess there is some technical glitch happening here, and we are trying to find a solution to that. But before that, मैं मैम की बात थोड़ी सी पूरी कर देती हूँ. लाइक मैम इज एक्सप्लेनिंग कि डिसीजेस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. एंड देयर वाज वन थिंग लाइक आई सेड कि जो मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि डिसीजेस के कुछ टाइप्स होते हैं, मेजर और माइनर तो डेफिनेटली होते हैं, बट कुछ इन्फेक्शियस होते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस होते हैं. सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आई वुड लाइक टू आस्क मैम. मैम कैन यू हियर मी? Okay, am I audible, ma'am? Now, yes, ma'am, you are. Okay. So I'm really sorry. I think because of weather, there was some issue in the internet connection. No issues, ma'am. I could hear your question. I think you want to know more about the infectious and non-infectious diseases. Right. Yes. So, ma'am, I think your question is very apt. I was just about to come on the topic and to talk about the infectious and non-infectious diseases. So I'll be doing that in a while. मैम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बिगिन थोड़ा सा पहले जहां से आपने स्टॉप किया, क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी, तो दैट वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल. यस यस आई विल डू सो. सो यहां पे हम मैम बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको समझा रही थी कि किस तरह से हमारी गुड हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम मेंटली फिजिकली सोशली फिट रहते हैं, अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोग्रेस एज अ होल हमारे सारे एस्पेक्ट्स में होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो या बाकी चीजें हो. एंड ऑल्सो इट्स नॉट ओनली यू नो रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग इन द सोसाइटी, वी ऑल्सो हैव अ यू नो सेंस ऑफ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, बिकॉज अवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अवर सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अफेक्टेड बाय अवर हेल्थ अ लॉट. If I am healthy, my you know mood is good, then I have a good sense of myself. Otherwise, we may feel stressed or we may have some you know not so good thoughts about ourselves and others. So it's very healthy. I would say it's very important to be healthy. स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैम यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बिफोर आई गॉट डिस्कनेक्टेड मैं थोड़ा सा चाहती हूँ, दे आर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, सो दे शुड रिफ्लेक्ट इन द सराउंडिंग. इट शुड नॉट ओनली बी यू नो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड स्टडी एंड माई इंटरेक्शन. आई वॉन्ट यू स्टूडेंट्स टू यू नो फाइंड आउट इन योर सराउंडिंग हाउ द ओवरऑल यू नो कंडक्शन एंड सप्लाई ऑफ वॉटर इज बींग मैनेज्ड. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो आपके घरों में आता है, तो चाहे आपके आसपास पंचायत उसको मैनेज करती हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको मैनेज करती हो, हाउ ओवरऑल थिंग्स आर यू नो बीइंग मैनेज्ड. तो ये कहाँ से आ रहा है पानी और किस तरह से आ रहा है, जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या प्योर वाटर आ रहा है या प्योर वाटर नहीं आ रहा है, वाटर की सप्लाई क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है और उसके क्या रीजंस हैं, क्योंकि वाटर एंड फूड आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स दैट वी नीड अलोंग विद एयर ऑफ कोर्स.
इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग को एक्सप्लोर करें, और अलॉन्ग विद दैट ये भी एक्सप्लोर करें कि क्या जो ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, वो सबको अवेलेबल है, और अगर नहीं देन व्हाट आर द रीजंस। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू एनहेंस योर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस सोशल इश्यूज एंड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू साइंस। दूसरा टास्क जो मैं चाहती हूँ वो रिलेटेड टू, रिलेटेड है बट फूड के रिलेटेड। अगर हम बात करें जो हमारे फूड हम खाते हैं उससे कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, जैसे वी आर ईटिंग द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो उसके पील्स होते हैं, या उसके अलावा भी कोई हमने बाहर से सामान खरीदा तो उसके कुछ कैंस होते हैं, पॉलिथिन बैग्स होते हैं, तो उनका जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है वो किस तरह से होता है? आप कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके बाद उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाता है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्या वो पूरी तरह डिस्पोज हो सकते हैं या हो पाते हैं? तो डिस्पोजेबल चीजें कौन सी होती हैं, नॉन डिस्पोजेबल चीजें कौन सी होती हैं, डिग्रेडेबल चीजें कौन सी हैं, नॉन डिग्रेडेबल कौन सी चीजें हैं, और उनको हम कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने घर में रोज या हफ्ते में कितना कूड़ा जनरेट होता है, कितना वेस्ट जनरेट होता है, उस पर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए, और ये रिफ्लेक्ट करिए कि कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो डिस्पोजल का जो इशू है, जो हम सराउंडिंग की बात करते हैं कि क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं हो पाती है, वो भी काफी हद तक कंट्रोल होगी, और ये सिर्फ हमारे नहीं ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जैसे होता है ना कि आजकल अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में जो हमारे क्लीनर्स हैं उनको हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं, बिकॉज हम नहीं निकल रहे हैं घर से, लेकिन दे आर कमिंग आउट एंड दे आर यू नो कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ एज स्टूडेंट्स ऑल्सो एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो टू रिड्यूस योर वेस्ट सो दैट द बर्डन इज लेस ऑन देम। So, this thing I want them to explore. ये मैं एक सेकेंड बस को रखूंगी, और अगर जब स्टूडेंट्स ये पावर पॉइंट देखेंगे, मेरा डिस्कशन देखेंगे, I would encourage them that they should go and explore these links. These links are related to the concept of being healthy and disease free. So, it will enhance their understanding further. Okay, ma'am, we have got last 1 minute left. So, yes, ma'am. Yes, ma'am. So, the last part of my presentation is there. I'll be finishing that up with the students. So, ma'am, related to your question, you were asking about the infectious diseases and non-infectious diseases. So, when we want to understand the concept of infectious and non-infectious diseases, before that, we need to understand that infectious diseases or non-infectious diseases may be acute or chronic. Many times, I think many of the students and us also as a common persons, when we if we have visited doctors in you know some part of our life, they say that this is the acute problem, this is the chronic problem. So what do they mean by that? In simple words, acute disease is that disease which is for a short period of time. You know, I get common cold and I take rest and I get well soon, and it is not creating any major damage to my body, then this is an acute disease. Okay. But if you know diseases like cancer, untreated high blood pressure, diabetes, many diseases like you know polio, elephantiasis, ऐसे बहुत सारे diseases हैं जिनको सही समय पर अगर treat ना किया जाए तो वो chronic diseases बन जाती हैं। Chronic means long term. Tuberculosis, जिसको आम भाषा में TB कहा जाता है या हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है, ये threatening है, fatal है, life के लिए threatening है ये, तो ये long term diseases जाती हैं, और इससे हमारी body को जो harm होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए एक्यूट डिसीजेस वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, क्रॉनिक डिसीजेस वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं। अब ये क्रॉनिक भी और एक्यूट दोनों डिसीजेस इंफेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन इंफेक्शियस भी हो सकती हैं। इसके बारे में आई थिंक हमें अगली क्लास में जानना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। तो आई वुड रिक्वेस्ट द नेक्स्ट क्लास फॉर दैट। तो कुछ मटेरियल हमने आज कवर किया है, एंड आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज हेल्थ, एनवायरमेंट, डिसीज, इस सब के बिना अभी हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो हेल्थ शुड बी आर प्रायोरिटी, बी इट माइंड, बी इट आर व्यूअर्स, हम सभी को अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और बातचीत करेंगे डिसीजेस एंड कॉजेस एंड हेल्थ के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। अभी वक्त हो गया है ये सेशन खत्म करने का, और थोड़ी देर में हम वापस आएंगे एक और क्लास लेके, जिसमें हम एक ICT टूल के बारे में चर्चा करेंगे वेबिनार पर। तो वेबिनार लेकर थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। आप यहीं पर हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल NCERT Official। नमस्कार।